यहां की गिनती का पता नहीं गिनती कहां तक पहुंचेगी। ये महागठबंधन, ये महागठबंधन महामिलावट नहीं है, ये महागठबंधन महापरिवर्तन वाला गठबंधन है। और आजमगढ़ के लोग बताओ हमें, हमें बताओ आजमगढ़ के लोगों कि अगर बीजेपी और उनके लोग हमारे तीन दल को महामिलावट बोल रहे हैं, तो आजमगढ़ के लोग बताओ भारतीय जनता पार्टी का 38 दलों से गठबंधन है, ये कौन सी महामिलावट होगी जिसका अता पता ही नहीं है। न जाने कौन सी महामिलावट है। और ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, यहाँ के किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, जो हमें दूर दराज से दिखाई दे रहे हैं, जो पंडाल में नहीं हैं, सर पे गमछा रख करके दोपहरी में खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं ये चुनाव मामूली नहीं है, ये चुनाव देश के परिवर्तन का चुनाव है, ये चुनाव संविधान बचाने का है। और ये चुनाव हमें और आपको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को बचाने का भी चुनाव यही वाला है। और जिनसे मुकाबला है, जिनसे हमें मुकाबला करना है, वो न जाने कौन सा झूठ बोल दें, न जाने कौन सी साजिश कर दें, और न कौन सी नई बात कर दें, कोई पता नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भाषण सुनते हैं, कहते हैं कि हमें नया देश बनाना है, वो कहते हैं कि ये नया देश बनाने का चुनाव है। और हमने कहा उन्हीं लोगों से, ये नया देश तब बनेगा जब देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, और नया प्रधानमंत्री बनाने का भी यही चुनाव है। बताओ ये नया प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है कि नहीं है। और नया प्रधानमंत्री ही बना सकता है, नया प्रधानमंत्री नया देश बना सकता है। हमें और आपको न जाने कैसे कैसे सपने दिखाए, वो ऐसे सपने दिखाए जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे। बताओ आजमगढ़ के साथियों, वो अच्छे दिन वाले कहां हैं, क्या वो अच्छे दिन के नाम ले रहे हैं क्या? अरे कम से कम हम लोगों को बता दो अच्छे दिन कहां हैं। हम सब पर गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठेंगे और अच्छे दिन ढूंढ लेंगे कहां पर हैं। अच्छे दिन का पता नहीं। और नौकरी का वादा किया था, याद कीजिए, नौकरी का वादा किया था नौजवानों के साथ कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दी जाएंगी। बताओ नौकरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई, रोजगार में चोरी हो गई कि नहीं हो गई। और जो किसानों से कहा था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी, लाभकारी मूल्य 1.5 गुना मिल जाएगा, कहां 1.5 गुना लाभ मिला है कोई हमें बता दे। और जिस भी गरीब किसान ने अगर यूरिया की बोरी खरीदी होगी, खाद की बोरी खरीदी होगी, तो बताओ 5 किलो उसमें से चोरी हो गई कि नहीं हो गई। कैसी सरकार है। हमें आपको बताया कि रुपया जमा कर दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हमें आपको समझाया उन्होंने कि ये रुपया जो पुराना वाला है ये जब जमा हो जाएगा तो काला धन आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ कितना काला धन आया है देश में, भ्रष्टाचार भी नहीं खत्म हुआ। हमने तो पिछले चुनाव में भी कहा था कि ये जो रुपया है ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया काला सफेद नहीं होता, लेकिन लोगों ने भरोसा किया उन पर। और जो जमा हुआ पैसा बैंकों में, वो बैंक से निकाल करके बड़े बड़े लोग लेकर के चले गए। हम और आप तो 4-5 नाम जानते हैं, हम और आप तो केवल 4-5 नाम जानते हैं, लेकिन 36,000 से ज्यादा उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, हमारा आपका पैसा लेकर के चले गए, कोई पूछने वाला नहीं।
इन्हीं ने कहा कि चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ जाएंगे, चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ जाएंगे। और सुनने में आया है कि जो हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनी है वह हवाई जहाज अपने एयरपोर्ट पर छोड़ करके जा रही है। ये पहली सरकार है जो अपने वादे किए हुए के खिलाफ काम करती है। दुनिया में किसी लोकतंत्र में कोई सरकार नहीं देखेंगे आप। ये पहली सरकार है, ये पहली सरकार है जो अपने वादे के खिलाफ काम करती है। अगर वादा किया होगा नौकरी का तो नौकरी छीन ली, वादा किया कि किसान का आय दोगुनी कर देंगे बोरी में से चोरी कर ली। ये जो नारा दे रहे हो सुनाई दे रहा है हमें, क्या बोल रहे हो आप? और अगर ये बात जान गए हो, अगर ये बात जानते हो आप, तो बताओ चौकीदार की चोरी छीनोगे कि नहीं छीनोगे चौकी? ये तो चौकीदार हो गए जिनकी चौकी छिन जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा मुख्यमंत्री ठोकीदार भी हैं। तो ये चुनाव चौकीदार और ठोकीदार हटाने का भी है। और देखो ठोकीदार साहब ने क्या बताया हमें और आपको। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी जो ठोकीदार हैं, उन्होंने कहा कि ठोको नीति से काम करो। पुलिस को ये नहीं समझ में आया कि किसको ठोकना है। पुलिस ने कभी जनता को ठोक दिया और जब जनता को मौका मिला तो उन्होंने पुलिस को ठोक दिया। बताओ ऐसे मुख्यमंत्री हमारे। और बात यहीं तक नहीं खत्म हुई, हमारे सांसद विधायक भी समझ गए कि ठोको से ही काम होना है। तो बताओ सांसद जी ने विधायक को 21 जूतों की सलामी दी कि नहीं दी? लोग कहते हैं कि आप गलत कह रहे हो, 21 नहीं थे वो 12 थे। हमने कहा अगर रोका ना गया होता तो सांसद जी विधायक जी को 21 जूतों की सलामी देने जा रहे थे। इसलिए साथियों और आजमगढ़ की जनता से विशेष लगाव है समाजवादियों का। समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाया है यहां के लोगों ने। और मैं ये कह सकता हूं जब कभी आजमगढ़ की बात आई होगी और आजमगढ़ में कुछ देने की बात आई होगी, समाजवादियों ने अपने हाथ कभी पीछे नहीं किए होंगे, जितना मांगा होगा आजमगढ़ को देने का काम किया। मुझे याद है कि जब मैं देश की सबसे अच्छी सड़क बना रहा था, देश की सबसे अच्छी सड़क बन रही थी जब, उस समय नेताजी ने कहा कि ये सड़क जो बना रहे हो ये 36 महीने में नहीं बननी चाहिए, ये 21 महीने में बनकर के तैयार हो। और यकीन मानिए पूरे देश में ऐसी जल्दी कभी सड़क नहीं बनी होगी। समाजवादी लोगों ने 21 महीने में सड़क बना करके तैयार कर दी। और जब उसका उद्घाटन किया गया तो यही इस देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को उतार कर दिया। इस देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान, चाहे वो मिराज रहा हो और चाहे वो लड़ाकू विमान जो नेताजी ने खरीदा था सुखोई, उसको भी सड़क पर उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। और दुनिया का सबसे भारी हवाई जहाज हरकुलस भी उसी सड़क पर उतरा था। और उसी समय मैंने तय किया था कि अगर कोई सड़क दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक पहुंच गई है तो हमारे उत्तर प्रदेश का भी पूरा विकास नहीं हो सकता। अभी पूरा विकास तभी संभव है उत्तर प्रदेश का जब यही दिल्ली से चल करके लखनऊ और लखनऊ से चल करके यही सड़क आपकी सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ को छोते हुए गाजीपुर और बलिया जुड़ जाए, तब जाकर के विकास होगा। और हमने दी सड़क, सबसे बेहतरीन सड़क दी, सबसे बेहतरीन सड़क दी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस। और यहां पर हमारे आलमबदी साहब बैठे हैं, विधायक मंत्री बैठे हैं सब। जब उसका शिलान्यास हुआ था हमारे पत्रकार साथी लखनऊ से आए, ये जानते होंगे कि विधानसभा के सामने पत्थर रख करके शिलान्यास किया था। उस सड़क का शिलान्यास हो गया,
जिन किसानों ने जमीन दी है, आज हम उन किसानों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को जिन्होंने हमें जमीन दी थी उस समय, और उस समय भी संकोच नहीं किया था समाजवादी सरकार ने, अपना खजाना किसानों की तरफ खोल दिया था, और अभी तक इतिहास में इतना मुआवजा कभी किसानों को नहीं मिला होगा जमीनों का जो दिया था। और सड़क बन जाती आज 2 साल हो गए हैं, क्योंकि सड़क 36 महीने में बननी थी। समाजवादी सरकार होती तो हमें हेलीकॉप्टर से नहीं आना पड़ता, उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपके बाद में 20 पहुंचते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी सड़क बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था उसका काम रोक दिया हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने, काम रोका, टेंडर कैंसिल किया, दोबारा टेंडर किया और झूठा प्रचार किया कि हम इसकी लागत कम करना चाहते हैं। आज हम पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहते हैं, उन्होंने लागत कम नहीं की उस सड़क की, उस सड़क की सुंदरता कम की है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो दिल्ली से लखनऊ बनकर के आई है सड़क, उससे सुंदर अगर सड़क बनेगी तो यही आपकी लखनऊ और आपकी आजमगढ़ और गाजीपुर तक होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।